देश में जगह जगह लॉकडाउन हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या क्या हमें मिलेगा, कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस के चलते कई राज्य सरकारें लॉकडाउन का ऐलान कर रही हैं। ये वो राज्य या जिले हैं जहां कोरोना वायरस के कंफर्म केस मिल चुके हैं। तो बात करते हैं कि क्या क्या बंद रहेगा और क्या खुला। इन कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट के मामले में जो चीजें बंद रहने वाली हैं वो हैं बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा। दिल्ली मेट्रो नहीं चलेंगी, सभी रेलवे स्टेशन बंद रहेंगे, यानी कोई भी सवारी ट्रेन नहीं चलेगी, सिर्फ माल ढुलाई वाली ट्रेन चलेंगी। वहीं सभी बस अड्डे बंद रहेंगे, यानी दूसरे राज्य के लिए कोई भी बस नहीं चलेगी। अब बात करते हैं क्या क्या चालू रहेगा। सरकारी बस चलेंगी, जिससे कि जरूरी सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों को दफ्तर और घर पहुंचाया जा सके। अपने साधन, कार या बाइक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से सभी घरेलू उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। अब बात करते हैं बाजार की। तो दुकानें, फैक्ट्री, वर्कशॉप, दफ्तर, गोदाम, साप्ताहिक बाजार सब कुछ बंद रहेगा। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम भी इन दिनों चालू नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फूड आइटम की। सभी रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, लेकिन परचून की दुकान, बाकी मदर डेयरी जैसी दुकानें, सब्जी, मांस मछली जैसी रोजमर्रा की खान पान की जरूरतों को पूरा करने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। इनकी सप्लाई करने वाली ई कॉमर्स साइट्स जैसे ग्रोफर्स, बिग बास्केट, ये सब भी खुले रहेंगे। तो खाने की होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स भी खुले रहेंगे। अब बात करते हैं जरूरी सर्विसेज की। तो अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, म्यूनिसिपैलिटी का सफाई का काम, कूड़ा उठाने वाली सर्विस, फोन इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस इत्यादि, ये सब कुछ ओपन रहेगा। अब बात करते हैं मनी के मैटर में। बैंक बंद रहेंगे, खुला रहेगा बैंक के कैश काउंटर, एटीएम भी खुले रहेंगे। अब बात करते हैं धर्म की। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सभी धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। अब बात करते हैं सरकारी दफ्तर की। सरकारी दफ्तरों में क्या खुला रहेगा? कानून व्यवस्था और प्रशासन वाले दफ्तर जैसे कलेक्ट्रेट, पुलिस, सरकारी अस्पताल, दवाई इत्यादि की दुकानें, फायर डिपार्टमेंट, जेल, उचित मूल्य वाली सरकारी राशन दुकानें, बिजली विभाग, पानी विभाग, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, इंटरनेट से जुड़ी कंपनियां, प्रेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, प्राइवेट मीडिया कंपनी भी खुली रहेंगी इस कैटेगरी की, जैसे आपका बॉलीग्राड। साथ ही साथ आपको कहना चाहेंगे कि बाकी लोग घरों में रहें, सिर्फ तभी बाहर आएं जब उन्हें बेसिक सर्विस की बेहद जरूरत हो। बाहर निकले तो दूरी बनाएं और हाइजीन का ख्याल रखें। अपना काम खत्म कर फौरन घर लौटें, 5 से ज्यादा का झुंड ना बनाएं। साथ ही साथ अगर आप कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द देंगे।